आज मंगाया इतना सारा सामान है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज देर सुबह सुबह उठ चुके हैं हम और सुबह का मौसम एकदम बहुत मज़ेदार हो रहा है, बहुत सुहावना हो रहा है। आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप आ चुकी है सोना, इधर नीचे तो गए नहीं मैं, ऊपर ही आ चुकी है। ये देखो भागने में लगी है। पापा मिलने फ्रूट काट के लाए हैं। ये देखो या लो, फ्रूट काट के ला रखे हैं। सेब है, संतरा, पपीता है, काला सेब है, संतरा है और पपीता है। इसको खाते हैं, पापा रोज काट के लाते हैं मिलने फ्रूट्स। गाइस अब खाते हैं फ्रूट। सबसे पहले पपीता देखते हैं, काला नमक भी डाल रखा है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है, रोज़ खाता हूँ। गाइस आज लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। आसमान में एकदम आवाज़ें आने लग गई हैं, गरम गरम होने लग गई है। देखिए सुनिए, पूरी गरम गरम हो रही है। आज लगता है बहुत तेज़ बारिश आती है, तो देखते हैं कैसी होती है। गाइस बारिश होने लग गई है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, आज तो बारिश आ गई फाइनली। दोस्तों ओले पड़ने लग गए हैं, पूरे तेज़ी से ओले पड़ रहे हैं। देखिए पूरे ओले ओले आ रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े बूंदे आते हैं ना दोस्तों। ये देखो ओले पड़ गए हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं ओले। देखो थोड़े छोटे छोटे बर्फ़ के गोले टाइप के आते हैं, इनको ओले ओले बोलते हैं। ये देखो एकदम ठंडा हो रखा है, एकदम बहुत ठंडा ठंडा हो रखा है। देखो ऐसे ही पूरे पड़ने में, उस साइड को तो ज़्यादा बारिश आ चुकी है, उधर आगे को देखो पूरी ज़्यादा बारिश आ चुकी है, यहाँ को आ रही है और पूरा बिजली कड़क रही है ऊपर आसमान में, ख़तरनाक मौसम हो चुका है। देखिए आवाज़ सुनो, उधर को तो ज़्यादा बारिश आ गई है, सफ़ेद सफ़ेद सा जो दिख रहा है पूरा बारिश आ रही है वहाँ को तेज। ये देखो इसके यहाँ पर से लेके यहाँ तक का एरिया जो है इसमें पूरी तेज़ बारिश हो रखी है, और जो फूल वूल लगे थे वो सब झड़ चुके हैं इतने ओले से। आ गई इधर को भी आ गई है, बहुत तेज़ी से होने लग गए हैं ओले की बारिश से। देखो ओले ओले ख़तरनाक आ गए हैं, मौसम भी गड़बड़ गड़बड़ कर रहा है बहुत ज़ोरों से। ओले देखो पूरे आंगन में सफ़ेद सफ़ेद से जो दाने हैं पूरे ओले हो गए हैं। और हमने यहाँ गमले किनारे पर रख दिए, यहाँ फूल लगे थे जो इतने ओले से टूट जाएंगे, इसीलिए गमले यहाँ रख दिए हमने, प्लास्टिक के हैं टूट जाएंगे नहीं तो। एक तो तिरछी बारिश भी आ रही है, अब ये बरामदे तक आने लग गई है पूरी बारिश से। हो गया मौसम, बहुत ही खतरनाक हो रहा भाई। आपके सर में भी ओले ओले पड़ गए। देखो गाइस नीचे छत का पानी सारे नल के बंद हो गए, पानी नहीं आ पा रहा है। देखो इतना पानी हो गया है यहाँ नीचे पर, आगे फोन नहीं ले जा सकता, बारिश पड़ सकती है, पूरे ओले ओले हो गए हैं खतरनाक। 3 बजे हैं अभी और इतनी तेज बारिश होने लग गई है खतरनाक, शाम का जैसा लग रहा है जैसे 6 बज गया। बाहर तो बहुत बारिश आ चुकी है, अब अंदर चलते हैं, अंदर बैठते हैं और फिर बारिश आ गई है, बाहर पे बैठे हैं जैसा नहीं हो रहा है, अंदर चलते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा मौसम हो रहा है। चलो अंदर चलते हैं पापा। दोस्तों अब ओले पड़ने बंद हो चुके हैं, अब बारिश आ गई है लगातार, रुक नहीं रही है। दोस्तों अभी बारिश रुक चुकी है और अभी का कुछ व्यू ऐसा है, थोड़ी जगह जो ओले पड़े थे वो दिख रहे हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। गाइस वो नीचे को देखिए, यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद जो पड़ रखे हैं पूरे ओले हैं, ओले ओले हो रहे हैं नीचे को, और यहाँ को तो उतना नहीं है, यहाँ को सूख गए, वो नीचे को ज़्यादा ओले जैसे पड़ रखे हैं, पूरे ही ओले पड़े हैं। और अभी पूरा जो धुंध सी होती है वो पूरी हट चुकी है, जो हमें पहाड़ नहीं दिख रहे थे अब वो दिखने लग गए हैं। देखो कुछ इस तरीके का व्यू है अभी का, बारिश होने के बाद बहुत अच्छे दिख रहे हैं। उत्तराखंड की खूबसूरती इन पहाड़ों से जानी जाती है, बर्फ़ पड़ती है इधर जो इतने मज़ेदार होते हैं उत्तराखंड में, बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड की खूबसूरती इन पहाड़ों से झलकती है, मुझे तो उत्तराखंड में सबसे अच्छा लगता है। आज मंगाया इतना सारा सामान है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स हमारा ये है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या है आज। दोस्तों इसमें है पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स, अभी इनको लगा के भी दिखाएंगे आपको। और
ये मंगा रखे हैं हमने। दूसरा बॉक्स कुछ इस तरीके का है। दूसरे बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। इसमें पता नहीं क्या मंगा रखा है। इसमें है ग्लास, ऐसे 16 ग्लास मंगा रखी है मैंने, इस टाइप की ग्लास मंगाई हैं। तीसरा बॉक्स ये रहा, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या मंगा रखा है। इसमें हैं डब्बे, किचन के डब्बे मंगा रखे हैं, कुछ इस तरीके के हैं किचन के डब्बे, ये देखें ये डब्बे मंगाए हैं, इस तरीके के हैं, ऐसी 24 डब्बे हैं। बस हमने मम्मी ने ये इतने ही मंगा रखे हैं, कुछ इस तरीके के डब्बे। गाइस ये देखिए यहाँ पे लगा दी है हमने पेंटिंग, एक याली वॉल पे लगा दी है यहाँ पे, जो यहाँ पे की दीवार है यहाँ पे लगा दी है, और दूसरी पेंटिंग इधर पे लगा दी है जो क्रीम कलर में बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन कलर का। गाइस अब हो चुकी है शाम और पापा खाने की तैयारी करने लग गए हैं। आज क्या खाना बनाने वाले हो? ये है पिनालू की सब्जी। आज बनने वाली है पिनालू की सब्जी, इसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पिनालू, और हिंदी में अरबी बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में पिनालू बोलते हैं इसको। सब्जी अच्छी होती है इसकी। हाँ पिनालू है, बहुत बड़ा है ये देखिए, इतना बड़ा पिनालू है, इतना बड़ा पिनालू रखा है खेतों में, और इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। आप पापा बना रहे हैं आज रात में पिनालू की सब्जी हमारी। एक गडरी भी होता है लाल, एक गडरी भी होता है लाल रंग, वाइट में है। इसको काटते हैं इस तरीके से, ये पकता है बड़ी जल्दी ऐसे। अच्छा अगर इसको सीधा काटेंगे तो ये पकेगा नहीं। कैसे काटेंगे? तिरछा? इसको तिरछा नहीं, इसको थोड़े थोड़े करके ना तोड़ना होता है, ऐसे तोड़ना होता है इसमें से। सीधा ऐसे चाकू से काटेंगे तो ये मतलब पकने में देर करेगा। अच्छा तो ऐसे काटेंगे तो ऐसे काटने में ये गल जाता है अच्छी तरह, पक जाएगा और स्वाद होगी सब्जी। ये है इसमें। अच्छा गाँव में होते हैं, होते हैं गटरी होती है गाँव में, पिनालू होते हैं। अच्छा बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये देखो कितना बड़ा है, इसमें से आधा काट रखा है मैंने, इतने बड़े पिनालू है। गटरी भी इतनी इससे भी बड़ी बड़ी होती है। अच्छा लेकिन काटने का तरीका यही है इसका, बड़ी जल्दी पकते हैं ऐसे। ये है इसमें ये इस तरीके से काटे जाते हैं। अब बनाने लग गए हैं पापा पिनालू की सब्जी। ये डाल दे लेते प्याज। अरे कुक रात का खाना दिन का खाना सब पापा बनाते हैं आजकल, घर पे आ रखे हैं इसलिए आजकल कुक इनको ही बना रखा है, खाने की जिम्मेदारी उनकी ही है, और ये टेस्टी खाना बनाते हैं एकदम मज़ेदार। और इनका भी प्याज भून चुका है इधर। अब इसमें डालना है पापा मट्ठा, मट्ठे से एकदम अच्छी सी हो जाएगी ना, असली मज़ा मट्ठे दाल की ही होता है। पहले मेरे तो पहले से ही सब्जी बना दी इन्होंने, देखिए पत्ता गोभी की सब्जी है, क्योंकि वाली मैं तो खाता नहीं हूँ, मैं आजकल थोड़े बीमार हो गया था ना तभी आजकल वाली सब्जी नहीं खा रहा, मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल खाना खाना है, इसीलिए पत्ता गोभी की सब्जी बना रखी है मेरे, और अपने लिए पिनालू की सब्जी बना दी इन्होंने। तो गाइस मेरा खाना तो आ चुका है, अब मैं खाता हूँ खाना। दोस्तों आज कुछ रात का व्यू कुछ इतना अच्छा दिख रहा है, आज बारिश हुई थी इसलिए पूरे पहाड़ का जो धुंध हो रखी थी साफ़ हो गई है, और पहाड़ एकदम चमकते हुए दिख रहे हैं, घर की लाइटें इतनी सुंदर दिख रही हैं, आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ को लाइटें चमक रही हैं, लेकिन आज हमारे घर पे लाइट नहीं है, लेकिन सब जगह लाइट है, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बारिश हुई तो ख़राब हो गई है लाइट, हमारे घर पे लाइट ही नहीं है और जगह सब। तो गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरी वीडियो आप देख सकें। तो ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।